गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट ऑन अ किल, पिता ने बेटी और प्रेमी सिपाही को मारी थी गोली। बेटी और उसके प्रेमी सिपाही के कत्ल में पिता सहित पांच गिरफ्तार। खानपुर थाना क्षेत्र में 22 फरवरी को हुई थी वारदात। गुसिल पिता ने सिर में गोली मार कर दिया था खौफनाक वारदात को अंजाम। पिछले दिनों 22 फरवरी को खानपुर थाना क्षेत्र में अजय यादव आरक्षी और उसकी प्रेमिका सोनाली की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जनपद पुलिस इस हत्या की सुराग-कशी में पूरी जी जान से लग गई थी। आज गुरुवार को गाजीपुर पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉ ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्त को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए ऑन अ किलिंग के दुखद डबल मर्डर मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में 22 फरवरी की सुबह सड़क के किनारे क्षेत्र के बबनौली कलां गांव निवासी अमेठी जिले के गौरीगंज थाना में सिपाही के पद पर तैनात अजय यादव को घायलावस्था में देखा गया था। उसके सिर में गोली लगी थी। उसके एक हाथ में पिस्टल थी और दूसरा पिस्टल उसके पैर के पास पड़ा था। मृतक के पैर में चप्पल नहीं था। बाद में घायल सिपाही की मौत हो गई थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। इस घटना के दूसरे दिन इसी गांव से सटे इचवल गांव निवासी राजेश सिंह के मकान के पीछे खेत में एक युवती का शव मिला था, जिसे गोली मारी गई थी। शव के पास से मृतक सिपाही अजय यादव का चप्पल भी बरामद हुआ था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई थी। इसी क्रम में मृत युवती के पिता राजेश सिंह, अंकित सिंह उर्फ सोनू, दीपक सिंह और धरवाद सिंह राजेश सिंह की पत्नी नीलम सिंह को गिरफ्तार किया गया। दो पिस्टल, एक कारतूस, एक जोड़ी चप्पल, मृतक और मृतका का मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद किया। पिता राजेश सिंह से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसे डबल मर्डर का राज खोला। उसने पुलिस को बताया कि करीब एक माह पहले की बात है कि मुझे मेरी पत्नी नीलम सिंह और लड़के दीपक सिंह से पता चला कि मेरी लड़की सानिया सिंह और बबनौली निवासी अजय यादव के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों ने 2 वर्ष पहले कोर्ट मैरिज कर लिया है। मैं अपनी लड़की को काफी समझा बुझाया लेकिन वह नहीं मानी। 15 फरवरी को पता चला कि लड़का अजय यादव, जो पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात है, छुट्टी पर घर है, तो मेरा पूरा परिवार बैठकर योजना बनाया। तय हुआ कि लड़के को घर बुलाकर समझाया जाएगा, यदि मान गया तो ठीक, वरना जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद 22 फरवरी लड़की से मोबाइल से फोन से मैसेज कराया कि मिलने आ जाओ। इसी बीच मैंने अपनी लड़की को समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इससे गुस्से में आकर मैंने उसे अवैध असलहा से गोली मार दिया। कुछ देर बाद लड़का भी हमारे घर पहुंचा। उसे समझाने की कोशिश, लेकिन ऊंची आवाज में बात करने लगा। इस पर तय हुआ कि कहीं एकांत जगह पर चलकर बात करते हैं। हम लोगों द्वारा रामपुर गांव के अंबिका स्कूल के पास पहुंचे और लड़के को पुनः समझाने लगे लेकिन वह नहीं माना। इस पर आवेश में आकर उसे गोली मार दिया। अपने लड़की का मोबाइल जो मेरे पास था लड़के अजय की जेब में डालने के साथ ही एक पिस्टल उसके हाथ में और दूसरा उसके पास रख दिया। सुबह मैंने आसपास में इस बात का शोर मचा दिया कि मेरी लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। पकड़े जाने से भय से अपनी लड़की के शव को घर के सामने ही खेत में बने बाड़े में फेंक दिया था। आज एसपी गाजीपुर ने 5 लोगों को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। बाई डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, एसपी गाजीपुर। दर्ज कराई है, इस पे इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर उनके आसपास थी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पे डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 मॉर्निंग में उसको वहां पे प्लॉट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चादर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहां से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का, सारा इन्वेस्टिगेशन SPCT गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने
और यह खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई, इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संलिप्त अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर,